Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. आज मैं आपको आलू का पराठा कैसे बनाते हैं मैं वो सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए के बॉयल रखे थे पहले से ही रेडी कर। मैं ये स्पाइसर है मेरे रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, नमक, सॉल्ट, आपके मुताबिक आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। और ये मैंने स्पाइसेस है, इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला पाउडर, आपको जितना मुताबिक चाहिए आप उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है जीरा पाउडर, 1 स्पून लिया है धनिया पाउडर और मैंने 1/2 स्पून लिया है पाव भाजी मसाला पाउडर। आज मैंने ये पोटैटो पहले से ही हम निकाल कर रखी थी, मैंने मैश कर हम इसे स्पाइसेस अच्छे से डालेंगे। और इसमें स्पाइसेस में मैंने जो जो आपको बताए थे वो सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं किस तरह से आप मैश करके मैंने इसे रखा था और हम इसे देखिए मैं किस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कहीं पर भी कुछ मतलब खाली सा ना रह जाए पोटैटो, ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाला है, स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं इसमें, उसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन ज़्यादातर लोग को आलू पराठा बहुत ही पसंद आता है, तो मैंने इसे आलू पराठा कैसे किस तरह से बनाते हैं इसे हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे आलू पराठे में। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो सिर्फ आलू भी चलेगा, या नहीं तो फिर आप सादा सी प्याज भी इसमें कट करके चॉप करके डाल सकते हैं इसमें बारीकी से। देखिए मैं किस तरह से अच्छे से मैश कर रही हूँ, थोड़े थोड़े से रह गए थे मैश नहीं हुए थे तो मैं अपने हाथ से कर रही हूँ इसे। अब हम इसे क्लीन फ्लेम लगा देंगे, लगाकर हम इसे 15 to 20 मिनट्स या 10 मिनट्स इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए इसका जो मसाला है बैटर। ये देखिए अब मैंने इसे पहले से ही डो लगा कर रखा, बना कर रखा था। अब हम मैंने इसे पेड़ा बना लिया था पहले से ही। अब हम इसे बेलेंगे रोटी को, पेड़े को हम अच्छे से राउंड बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे स्टफिंग करने के लिए पहले, ताकि आपका पराठा एकदम स्मूथ हो जाए, बेलने में आपको दिक्कतें ना आए, इस वजह से मैंने इसमें ऑयल पहले से ही लगा दिए थे। मैंने 2.5 स्पून इसमें स्टफिंग किया है। देखिए मैंने किस तरह से इसे बंच की तरह बनाकर और मैं इसे अपने हाथों से अच्छे से इसे राउंड कर रही हूँ। मैंने राउंड बना लिया है पेड़े को। अब उसी तरह मैं आपको दूसरा पराठा बताऊंगी किस तरह इसे फिर बेलेंगे और किस तरह हम इसे ऑयल लगा के फिर इसमें हम पोटैटो अच्छे से स्टफिंग करेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसे फिर से मैंने वैसे ही उसी तरह पहले जैसे मैंने बेला था उसी तरह मैं बेल रही हूँ। इसमें फिर मैं ऑयल लगा दूंगी, उसे अच्छे से अपने हाथों से स्प्रेड कर लूंगी और फिर हम उसके बाद 2.5 स्पून इसमें स्टफिंग करेंगे हम पोटैटो। मैंने इसे फिर उसी तरह बंच के जैसा बना लिया है पेड़े को और इसे इसी तरह हम राउंड राउंड करेंगे ताकि आपकी रोटी अच्छे से राउंड आए। मैंने फिर इसे थोड़ा सा फ्लोर लगा लेके मैं इसे आहिस्ते आहिस्ते से ज़्यादा इसे प्रेस मत करें ताकि आपका रोटी इसमें चिपक ना जाए।
अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चिपक ना रहा है तो फिर थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा फ्लोर डालकर अच्छी तरह से बेलें। देखिए मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टोव ऑन कर लेके रखा है मैंने स्टोव, पहले से ही मैंने इसमें पैन रख दिया था। अब हम इसमें पराठा डाल दिया है मैंने इसमें, और थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। हम ऑयल लगाएंगे इसमें, ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसे प्रेस कर लिए अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंने इसे टर्न कर लिया है, टर्न करने के बाद मैंने इसे अच्छा से प्रेस किया है ताकि कच्चा ना रहे पराठा। फिर मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ कि फिर इसे अच्छे से मैं ब्रश से लेकर स्प्रेड कर रही हूँ अपने पराठे को, अच्छे से लग जाए ताकि कच्चा पक्का ना रहे पराठा। मैं फिर टर्न कर दिया इसको अच्छे से। ये रहा अपना आलू का पराठा। अब उसी तरह मैं आपको दूसरा वाला भी बेल के इसी तरह से दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से हुआ है पराठा, ये टेस्टी। अब मैं दूसरे पराठे को भी ऐसे ही बताऊंगी आपको। हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद टर्न करेंगे। फिर हम इसे ऑयल लगाएंगे। को डालते कि पराठा फ्राई पैन पर पलटना नहीं है, थोड़ा सा नीचे से ब्राउन होए फिर बाद में उसे टर्न करें। हम ऑयल डालकर इसमें अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर मैंने टर्न कर लिया है पराठे को, फिर इसे ऑयल लगाएंगे हम। फिर मैंने अच्छे से इसे ब्रश से स्प्रेड कर लिया है। फिर इसे अच्छे से हम टर्न कर देंगे। ये रहा हमारा पराठा रेडी हो गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।